Sit somewhere like a cup. Ha ha! बना ले यार वीडियो वीडियो तुमने ना वीडियो नहीं बनी और आप ही तुम अच्छे थे वीडियो बनी चाहे कट तो मुझे दिखना सीखो स्टार्ट हैप्पी बर्थडे डियर प्रीति दीदी Happy birthday to you. ऐसे खिला के नहीं जनाना। आई। आओ। शर्मा आता नहीं। आई। तो बहुत जाए बड़ी किंग कर। पकड़ लो फोन वाला दुकान। ना ना ना। ना खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। फोन खाऊंगा। ऐसे खिला के नहीं जनाना। आई। आओ। शर्मा आता नहीं। आई बड़ी किंग ये दुबले होने का फायदा भूख लगी तो अभी बच गए हैं शाम के 6 और सुबह से काम करते करते बुरी हालत हो गई। ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ चुका है जिसकी वजह से मैं हेयर स्टाइल की वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा एंड ब्लॉग वीडियोज़ में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। एंड ब्लॉगिंग कैसी लगती है मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ये 58% पीसेज रेडी करनी है, ये लोग लैस लगा के दे रही हैं एंड मैं इस पर ओवरलुक कर रही हूँ इस वाली मशीन के साथ। तो सारा काम मुझे 2 दिन में कंप्लीट करके देना है। 150-250 पीस हैं एंड 50 पीस मैंने आज भेजे थे और ये 100 पीस तक रेडी करने हैं। 108 पीस हैं, देखते हैं कब तक रेडी हो जाता है और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ। आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अगर आपको आईब्रो से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से आईब्रो बना के मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। बाल झड़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा तो हेयर स्टाइल कहाँ से बनाऊँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स काम करते करते हो गई पूरी हालत, सारा सामान ऐसे फैला हुआ है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि 8 बज चुके हैं, बच्चों को भूख लगी होगी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फिर मैं उन लोगों को खाना वाना बना के खिला दूँ, फिर बाकी का काम कल सुबह में या फिर रात में करूँगी मैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियोज़ पूरा देखा कीजिए एंड हेयर स्टाइल की वीडियोज़ भी बहुत जल्दी लेके आ पाऊँगी। बस थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम है और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही लेगा वीडियो चले वीडियो लेते जा रहे हैं। तो शैम्पू यूज करने के लिए कौन सा शैम्पू यूज करें कौन सा नहीं करें इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो शैम्पू सूट करता है आप वो यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डव शैम्पू लिया, थोड़ा वाला क्या था डव शैम्पू लिया हुआ है एंड बालों में बहुत तेज गर्मी हो रही है। बालों को गर्मियों के टाइम पे एक दिन गैप दे के आप एक दिन वॉश कर सकते हो, तो इसको मैं डव को से डव शैम्पू को ले ले रही हूँ क्योंकि बालों में बहुत इजी हो रही है। कल है बृहस्पतिवार तो मेरा व्रत रहेगा तो कल मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती हूँ। जो क्यों कैसे यूज करना चाहिए ताकि आपके बालों में दिक्कत ना दे, आपको मैंने थोड़े दिन पहले एक ग्रीन टी वाला हेयर शैम्पू एंड हेयर सीरम बताया था,
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रुक जा रहा है उससे, बहुत ज़्यादा मतलब एक यूज में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट शाइनिंग से हो रहे हैं। तो आप वो जाके चेक कर लीजिएगा, वीडियो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो एंड आप जाके भी देख सकते हो। तो डव शैम्पू को डायरेक्ट आपको कभी भी स्कैल्प पे शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, आपको अपना मग में शैम्पू ले लो एंड इस तरीके से शैम्पू को फाड़ लेना है। डालना दिख रहा है और अच्छे से शैम्पू को घोल लीजिए इस तरीके से पानी में। कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है। ओके, इस तरीके से घोल लिया मैंने। ओके ओके, अब इस तरीके से बालों को करेंगे। आप चाहो तो धीरे धीरे भी कर सकते हो, बट मैं नहा चुकी हूँ तो मैं बालों को इस तरीके से सिर को झुका के बालों को इस तरीके से पानी को शैम्पू वाले पानी को बालों में इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से अच्छे से मसाज करेंगे, स्कैल्प पे जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। और एक शैम्पू ही काफी है मेरे बालों के लिए। आपके बाल अगर बहुत ज्यादा लंबे हैं, घने हैं, तो आप दो ले सकते हो, और अगर जेंट्स हैं तो डव शैम्पू का हाफ पैकेट ही काफी रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको अच्छे से एक से दो मिनट तक सिर में मसाज देना है ताकि जो आपके सिर की गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे मेरी बेटी आके गेट ठोक रही है और बहुत गेट खटखट आ रही है और बहुत डिस्टर्ब कर रही है हम लोगों को। मुझे मन कर रहा है कि मैं मेरी बहन को खूब मारूं। जा सारी गेट खोल के, तो मैं तो मसाज कर रही हूँ। तो अच्छे से दो से तीन मिनट तक मसाज करने के बाद जब आपको रिलैक्स फील हो कि आपके स्कैल्प की सारी गंदगी निकल चुकी है, दो से तीन मिनट तक आपको इस तरीके से, कई लोग बोलते हैं कि शैम्पू करते टाइम बालों को स्कैल्प को रब मत करिए, बट जितना जरूरी होता है आपके स्किन से डर्ट को, डेड स्किन को निकालना, उतना ही जरूरी होता है आपके स्कैल्प से डेड को निकालना। ऑन है ना वीडियो? हाँ। तो इस तरीके से मैंने इसको दो से तीन मिनट तक स्कैल्प को अच्छे से रब किया है। अब मुझे लग रहा है कि जो स्कैल्प में गंदगी थी वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब वही झाग से हम नीचे के बालों को भी इस तरीके से साफ कर लेंगे। बनाता था जब तक क्लियर पूरा वीडियो नहीं बन रहा है। ऑन हो गया। इस तरीके से करते करते मुझे काफी ज्यादा मेरे बाल जो हैं वो सॉफ्ट फील हो रहे हैं। अब हम इसको वॉश कर पानी से धो लेंगे बालों को। गर्मियों में एक दिन छोड़ के आप हेयर वॉश कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है तो दो दिन छोड़ के। तो इस तरीके से हेयर वॉश कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चावल देना हाँ बंद मत कर। नहीं उसे नहीं, चावल दे, चावल ला के दे। किस किस को मेरा हेयर वॉश देख के हेयर वॉश करने का मन कर रहा है, जल्दी से हेयर वॉश कीजिए और बताइए आपका जो काफ़ी रिलैक्स फील हुआ कि नहीं, एंड आपके जो डर्ट की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं।